सकुन बोध जी, आप तो गाजियाबाद महिलाओं का नेतृत्व कर रही हैं और आपको ये बहुत अच्छा मौका मिला है समाज की सेवा करने के लिए, तो आपका ऐसा क्या लक्ष्य है कि आप किन लक्ष्यों को लेके यहाँ पर जो पदाधिकारी बनी है? सर, मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है क्योंकि मैं जानती हूँ और आप सब भी जानते हैं कि बाबा साहब के मिशन को बिना महिलाओं के आगे नहीं लाया जा सकता, या जितनी भी वारदातें होती है महिलाओं के ऊपर, मैं उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ, उनको सशक्तिकरण के लिए उनको आगे लाना चाहती हूँ। और जितनी भी गाजियाबाद की महिलाएँ, उनके ऊपर मैं काम शुरू भी कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर महिला बदलती हैं या महिला स्ट्रांग होती हैं, तो हमारा मिशन बहुत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। महापुरुषों की जो विचारधारा है वो बहुत आगे बढ़ेगी, और जितनी आज मैंने देखती हूँ कि घर में महिलाएं अंधविश्वास के चक्कर में बहुत ज़्यादा रहती हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे भी उसी तरीके के बनते हैं, तो मैं उन लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकाल कर उनको सक्षम करना चाहती हूँ। तो जो 13 और 14 तारीख का जो प्रोग्राम है, उसमें विशेष आप अपने माध्यम से महिलाओं के लिए क्या सूचना देना चाहती हैं? सर, मैं एक तो जो मेरी महिलाएं कंटिन्यू काम कर रही, महिलाएं या मतलब हमारी समाज की महिलाएं, हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, समाज की जो महिलाएं हैं, जो कंटिन्यूअसली जाकर बाबा साहब की और अपने महापुरुषों की जो विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का जो काम कर रही हैं, सबसे पहले तो मैं उनको सम्मान दिलाऊंगी जो कि उनको कभी मिलता नहीं है, इसलिए ताकि वो लोग भी और लोग भी देखकर मोटिवेट हों कि हमें भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। देखा जाता है जब मंच लगते हैं, बड़े बड़े मंच लगते हैं, मंच में जो प्रोग्राम होता है उसमें महिलाओं की भागीदारी कम होती है और महिलाओं को कम बोलने दिया जाता है, उस स्थिति में आपकी क्या भूमिका रहेगी? सर, मैं चाहूँगी कि जो बुद्धिजीवी महिलाएं हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा से प्रेरित है, मैं उनको भी स्टेज पे बुलाऊंगी, हमारी पूरी टीम उनको बुलाएगी, उनको सम्मान देगी और उनको बोलने का मौका भी दिया जाएगा।